वंदे मातरम वंदे मातरम। हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है और मैं विवेक सिंह। और आज 72वां स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से आपके सामने लेके आया हूँ। और ये टॉपिक है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट और नॉट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कि नहीं है। इस बात को लेकर हमेशा बहस छिड़ती है क्योंकि आपको ही पता है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल। और जब भी मैं भारत की डेमोक्रेसी की बात करता हूँ तो दुनिया की सबसे बड़ी वैरायटी के मामले में अगर कोई डेमोक्रेसी है तो दैट इज़ व्हाट, इंडिया। और पहला क्वेश्चन होता है कि हम एक सेकुलर स्टेट हैं कि नहीं है, ठीक है। सबको पता है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेकुलर वर्ड को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, ऐड किया गया। और वहाँ पर यह बोला गया कि स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन, कि राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ले भी बहुत सारी चीज़ें अपने संविधान में क्या की गई हैं, फंडामेंटल राइट में बनाई गई हैं, ठीक है। ये तो चलो कहने की बात हो गई, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, आप जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हो, इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतनी इसमें विभिन्नता है कि जहाँ इतनी विभिन्नता होगी तो सिंपल सी बात है, अगर बर्तन 10 हैं तो बर्तन को अगर हम एक जगह पर रखेंगे तो उसमें खड़खड़ाहट तो होनी होनी है, ठीक है। नो डाउट हमारे देश में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुओं की पवित्र भूमि है, नो डाउट कि सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी में यहाँ पे धर्म रहता है दैट इज़ हिंदू। और इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं, इंडिया में। और भी जो तमाम धर्म है अपने देश में, चाहे सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, ईसाई हों, सभी लोगों को लेके यह डेमोक्रेसी रहती है। और इसका एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन इतने बड़े डेमोक्रेसी को क्या करता है, चलाता है। और इस बात को लेके हमारे सोसाइटी में हमेशा बवाल रहता है, हिंदू मुसलमान एंड और भी जो भी कम्युनिटी, बेसिकली सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान को लेके हम क्या बोलते हैं, हॉचपॉच क्रिएट करते हैं। लेकिन यार एक बात सोचो कि कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री में क्या बोलते हैं, कोई ना कोई ग्रास रूट प्रॉब्लम तो होगी होगी। चाहे किसी भी कंट्री की मैं बात करूँ, अमेरिका जैसी कंट्री है जो दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री है, लिटरेट कंट्री है, लेकिन वहाँ पर भी ब्लैक और वाइट को लेके झगड़ा होता रहता है। और पूरे क्या बोलते हैं, अब तक के 45 प्रेसिडेंट में केवल एक प्रेसिडेंट वहाँ का जो है ब्लैक कम्युनिटी से बना, एंड दैट इज़ बराक हुसैन ओबामा, ठीक है। आज तक वहाँ पे वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो क्या वहाँ पे मैन डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है? क्या वहाँ पे ब्लैक और वाइट को लेके झगड़ा नहीं हो रहा है? तो किसी भी, हमेशा ये बात याद रखना, किसी भी कंट्री में कभी भी हम ग्रास रूट प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते। हम बहुत कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको क्या कर सकते हैं, केवल मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। तो हम भी इस देश में कभी भी हिंदू मुसलमान के झगड़े को समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है, या हिंदू मुसलमान को लेके जो खचर पचर है या जो हौचपच है उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आज 72 इंडिपेंडेंस डे है तो हमको इस बात को लेके सोचना चाहिए कि इस मुद्दे को हमें बहुत ज़्यादा, हाँ इसको ख़त्म तो नहीं करेंगे, हम मिनिमाइज़ करेंगे। कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? संविधान आपको बोलता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मिदला गर्ग का मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि इंडिया में अगर सेकुलर वर्ड अगर ऐड किया गया है या सेकुलर की बात होती है इंडिया में तो वो क्यों होती है। जैसे सपोज़ दैट मान लो एक चौराहा है और चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा है, ठीक है, और हमको ये पता है कि हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, इसके बाद भी हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे, हम रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहे, उसको तोड़ के निकल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार तो हम सोचते हैं ना कि हाँ यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, कि जब भी हम तोड़ने जाते हैं तो एक बार मेरे मन में डर रहता है कि नहीं पुलिस वाला खड़ा है, आज अगर हम उस पुलिस वाले को वहाँ से हटा दें तो क्या होगा? तब तो आप किसी घर में गाड़ी लेके घुस जाएंगे, ट्रैफिक की तो रूल की बात ही मत करिए, रूल को तो आप फॉलो, रूल लिखा है इसके बाद भी आप फॉलो नहीं करते। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर इंडिया में ये बात लिखी है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, तो सेकुलर स्टेट का मतलब ये हुआ कि भाई जब भी हम हिंदू मुसलमान को लेके कुछ ना कुछ डिबेट डिस्कशन करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, तो इस कंफ्लिक्ट को पैदा करने से क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि हम दोबारा उस मुद्दे पे बार बार, मतलब उस सेकुलर टर्म पे बार बार क्या करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। और जब हम सेकुलर टर्म पे बहस करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो इम्बैलेंस होता है वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, बैलेंस में। तो इसीलिए इंडिया को सेकुलर स्टेट बोला गया, इतनी बड़ी वैरायटी को लेकर चलता है ये,
समझ में आए कि नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी वैरायटी को लेकर चलता है ये, और ऐसे ही नहीं चल रहा है क्योंकि हम अब्दुल कलाम के कंट्रीब्यूशन को इस कंट्री में नहीं भूल सकते, क्योंकि हम एआर रहमान के कंट्रीब्यूशन को इस कंट्री में नहीं भूल सकते, हम जहीर खान के कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं इस कंट्री में नहीं भूल सकते। ठीक है, हो सकता है कि मैं एक पक्षी हो जाऊँ या दो पक्षी हो जाऊँ, लेकिन मुझे ना बाइलेटरल होना ना यूनिलेटरल होना, मुझे सीधी बात करनी है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट और ऐसा संविधान कहता है और संविधान से बड़ा लॉ कोई भी नहीं है। तो यू शुड कीप इन माइंड कि आज अगर 72 इंडिपेंडेंस डे है तो इस तरीके की प्रॉब्लम अपने कंट्री में नहीं होनी चाहिए। हाँ, होनी है, उसमें कोई दोहरा नहीं कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार होगी, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। 72वां स्वतंत्रता दिवस है तो 72वें स्वतंत्रता दिवस पे हमें इस बात का एक संकल्प लेना चाहिए कि भारत अगर सेकुलर स्टेट है तो उस सेकुलर स्टेट की जो मर्यादा है उसको बना के रखें और इस बात को लेकर बार बार बवाल ना पैदा करें, क्योंकि जब भी हम इस बात को लेकर बवाल पैदा करते हैं तो यही जो सेकुलर वर्ड आपके संविधान में लिखा हुआ है और आपके फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है या सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर जब भी बोलती है तो हम इस बात पर बहस करते हैं, और जब हम इस बात पर बहस करते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। तो सबसे पहला मैटर यही है कि मेरे हिसाब से तो बस सिंपल सा हम कह सकते हैं कि अगर भारत एक सेकुलर स्टेट है तो वह सेकुलर स्टेट संविधान की वजह से है, ना कि किसी हिंदू की वजह से है, ना कि किसी मुसलमान की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम बार बार इस मैटर को क्यों उठा रहे हैं या बार बार इस मैटर को लेकर क्यों हौच-पौच क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतने बड़े धर्म को साथ लेकर चल सकते हैं तो हमें इस चीज़ को अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन फिर से संकल्प लेना चाहिए कि हम उस चीज़ों को फिर से बैलेंस करके, हमें भी पता है कि इस समस्या को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन हम इस समस्या को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस बात से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी माई विवेक गुरुजी चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट मैक्सिमम। थैंक यू।